क्यों नहीं हम करते, क्या रीजन्स है, सत्य शोहरत के पीछे है या हमारे पास विजन नहीं है। हम सारे मारे जाएंगे, जमहूरियत मारी जाएगी, फिर पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आएगी, क्योंकि सियासतदान जो होता है ना वो विजनरी होता है ना। ऐसा नहीं कि हर बंदा सियासतदान है। आज भी मैं अपने पाकिस्तानी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में आज थोड़ा ज़्यादा है ये भी सियासतदान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ तारिक समैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं स्पेशल, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। किसी तारफ़ के मुताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा में इनका शुमार होता है। वफाकी वज़ीर रहे हैं कई महकमों में। हाल ही में इन्होंने वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री कमांड की है 16 माह, उसमें काफ़ी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। डेमो के इशूज़ थे, पानी के इशूज़ थे, स्टोरेज के इशूज़ थे, और पाकिस्तान को जिन क्राइसिस का सामना है उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे, सियासी हालात पे भी इनसे बात करेंगे, इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, निगरान हुकूमत आ रही है इस पर भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपकी मिनिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री की मैं समझता हूँ मीडिया में उस तरह प्रोजेक्शन जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं उस तरह से नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाटर रिसोर्सेज के हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ाए जाएं। डैम्स भी बने पाकिस्तान में, अभी दियामर बाशा डैम आपने उसमें बड़ा काम किया है, फिर और इश्यूज थे इस हवाले से थोड़ा सा आप बताएं कि आपके मिनिस्ट्री ने क्या रोल प्ले किया। तारक भाई, सियासत में सबसे जो नंबर वन चीज़ है एक बुर्दबारी, दूसरा वेट एंड वॉच, तीसरा विजन। हम क्यों लेट हुए हैं, हमारी इकोनॉमी क्यों तबाह हुई है, हम क्यों 70s तक हम कोई कर्जा नहीं लेते थे और तरक्की इतनी की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 70s में न्यूक्लियर भी, हैवी मैकेनिक कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स, कामरा पोर्ट्स, स्टील मिल, नेशनल हाईवे, बहुत बड़े बड़े काम। कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि उस पर खर्चा वर्चा नहीं है, उस पर जहन है, सोच है, जहन है और अप्रोच है और ज़रूरत है, तो हम कर्जा नहीं देते थे। हाँ, पॉपुलेशन भी बहुत थोड़ी थी, पॉपुलेशन तकरीबन 7-8 करोड़ थी और हमारे पास जो ज़खायर थे वो ज़्यादा थे। हमारे फेल्योर्स रहे हैं, हमने 75 साल में उन जगहों पे नहीं सोचा जहाँ से हमें अर्निंग हो और मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। भुट्टो साहब ने 74 में तरबेला डैम का इफ्तिताह किया, उसके बाद फिर 75 में बूंजी जो है वो उसके लिए प्लान बना के उधर डैम बनाया जाए, इमीडिएटली शुरू किया जाए, वो नहीं होता का उनकी शहादत हो गई। मगर हमने कंटिन्यूटी नहीं रही हमारी, जबकि हमारे पास पानी के रिसोर्सेज हमारे एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है। ये मैं पानी की आपको एवरेज बताऊं कि 1 पर्सन पे एक आदमी के ऊपर जी 70s में 4,500 गैलन पानी अवेलेबल था, और देते थे, पानी तो यही था। और आज हम 900 पे आ गए और 2030 में हम 450 पे आ जाएंगे और 2040 में हम कहाँ पहुँचेंगे। अब इस चीज़ को मैच करके हमें आगे बढ़ना था जो नहीं बढ़े। हमारे पास बाशा डैम, मामन डैम, दासू डैम और बहुत सी और डैम्स भी हैं छोटी छोटी, हम नहीं गए। नेचुरली रीज़न होगा, मैं नहीं समझता कि वो रीज़न मेरे सामने क्यों नहीं आया।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि एक रिसेंटली चैलेंज हमें आया नीलम जलम का, नीलम जलम प्रोजेक्ट, उसकी टनल बैठ गई, टनल बैठ और उसमें ये कहा गया कि अब नई टनल बने तो बने, अदरवाइज ये टनल काम नहीं होगा। मगर दिन रात मैंने बातें डिस्कस प्रेशर देके हमने उस टनल को बना लिया, कंप्लीट हुई जुलाई में 2022 में कोलैप्स हुई थी और अगस्त में हमने उसको कंप्लीट करके मैंने बटन दबाया 969 मेगावाट बिजली से और उसी पे हमने स्टार्ट किया और 969 मेगावाट हमने सिस्टम में इंक्लूड की जो सस्ती बिजली थी और जो थर्मल के 969 थे वो कम हो गए। दो तरफ का फ़ायदा हुआ, वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर था वो कम हो गया, यहाँ से जो सस्ती बिजली थी वो। अब अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह 13% पे, 2% पे मैं आया था, 13% 14% पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो उनकी डेवलपमेंट हुई है, जो उनका चार्ट है। मोहम्मद 19 पे है, हम 7 पे आए थे, 19 पे छोड़ के जाते हैं। मगर कहने का मेरा मकसद है ये अगर 3 डैम बन जाए तो हमें कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। बादशाह की तकमील का टारगेट क्या है सर? 28 अगर 2028 हम इसमें जल्दी करें, पैसों का जो फंड्स हैं हम प्रॉपर दें तो 26-27 के दरमियान ये कम्प्लीट होता है, 1.5 साल हमारा बच सकता है। इसमें इंटरनेशनल फंडिंग कितनी है और पाकिस्तान के ख़जाने से कितना है? बादशाह पे कोई इंटरनेशनल नहीं है। अच्छा नहीं, मामन पे और दासू पे है, बादशाह पे नहीं है, बादशाह पे अपनी फंडिंग है। मगर हम अपनी और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट जो हम दिखाने के लिए बनाते हैं यहाँ से उनको रोक के, तो उनको रोक के इधर पैसे दे दें तो उससे दो बड़े फायदे हैं। एक आपको एनर्जी, सस्ती एनर्जी मिलेगी, दूसरे एग्रीकल्चर का पानी होगा, घात नहीं होगा, तीसरा आप अपने पॉपुलेशन से पेश करेंगे, चौथा आप क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान का मजदूर सस्ता भी है, पाकिस्तान में एनर्जी सस्ती हो जाए, एनर्जी की वजह से लोग नहीं आते नहीं। ये तो चीज़ें हैं वो जो हम कर सकते हैं और कशकोल से बच सकते हैं। क्यों नहीं हम करते, क्या रीजन्स है, सस्ती शोहरत के पीछे है या हमारे पास विजन नहीं है? तो ये चीज़ें हैं, अगर हम इनको अचीव करें, कोशिश की जो मेरे बस में था, कोशिश की, मैं समझता था कि प्राइम मिनिस्टर अपनी आखिरी स्पीच में नीलम जलम में जो उनका रोल रहा है मेरी सपोर्ट करने का, वो तذکرہ करता तो बड़ी उनको पाकिस्तान अप्रिशिएट करता, मगर पता नहीं क्यों अपनी बड़ी अचीवमेंट को वो भूल गए। स्पीच राइटर की गलती है या उनकी अपनी गलती है? क्योंकि मियाँ साहब को पर्सनली भी बताया गया था। अच्छा, ये हुआ है कि ये हुआ है, लेकिन वो भूल गए। मगर मियाँ साहब स्पीच राइटर को कम पढ़ते हैं, वैसे ज़्यादा बोलते, तो किसी भी आदमी की जो बात हो कहनी चाहिए। जहाँ तक तारिक मसला है, सबसे बड़ा अहम मसला, मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया उस मसले पे क्यों डिस्कस नहीं करती, क्यों हम इन मसाइल मीडिया को सनसनी चाहिए ना जी, पॉपुलैरिटी चाहिए बस हमें। जब दूसरों को ये कहते हैं कि आपको मुल्क के लिए कुछ सोचना चाहिए तो मीडिया को भी मुल्क के लिए सोचना चाहिए। सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ये एटम बम से ख़तरनाक है। अभी आप 96 में 11 करोड़ थे, आज 24 करोड़ है। 24 करोड़ आपको 15 साल की क्या प्रेडिक्शन आइंदा? तो आप 48 करोड़ हो जाएंगे। तो वसाइल कहाँ से लाएंगे? आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 2.8 है, कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग कोई नहीं है, कोई प्लानिंग, जीरो प्लानिंग है इस वाले से, कोई नहीं है, मानना चाहिए। कौन कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं। भुट्टो साहब ने उस वक्त पॉपुलेशन पे बड़ा काम किया, एग्रीकल्चर पे बड़ा काम किया, लोगों को सोच दी, एजुकेशन दी, घर घर रेडियो पहुँचाए कि सुनो क्या करना चाहिए। उसके बाद जब मार्शल आई,
सांसदों को मारा गया और कभी उनको लेके आना 18 महीने के लिए, कभी उनको 30 महीने के लिए लेके आना। इन किस्म की चीज़ों ने दुनिया ने हमसे एतमाद खो दिया। मगर मैं आज आपसे ये कहता हूँ, अब लोग कहेंगे खुर्शीद शाह तुम 35 साल से पार्लियामेंट में हो, तुमने ये क्यों नहीं किया? आपको याद होगा कि हर बजट में जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, पॉपुलेशन पे बात करता था। बिल्कुल। अब आप सारा डे में भी आ जाए, अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। फिर आप भीख मांगे, बांग्लादेश ने कैसे कंट्रोल किया? हम 4.5 थे, बांग्लादेश 6 था आबादी उस वक्त। आज बांग्लादेश 19 है, हम 24। उसने अपने टके को कितना स्ट्रॉन्ग किया। हमारा रुपया 50s में 2 रुपये 1 डॉलर के बराबर थे। इवन 90s तक हमारा रुपया बड़ा। 50s में हमने जर्मनी को कर्जा दिया 20 करोड़। कर्जा नहीं दिया, हेल्प की जर्मनी की, जर्मनी को 20 करोड़ 50s में। आप देख ले, पूछ ले, अब क्या हो गया, क्यों हुआ? सऊदीया भी कोई मदद हमने की थी उस समय, सऊदीया के साथ या यूएई के साथ या कोरिया के, कोरिया ने तो हमारा इकोनॉमिक जो प्रोग्राम चोरी कर लिया था, चोरी नहीं किया था, लेकिन आइडिया लिया था, अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट करने और चोरी में फर्क है, अडॉप्ट किया था। और यूएई में तो पीआई का जहाज दिया गया, उस पर उन लोगों ने एमिरेट्स ईके, मैंने एमिरेट्स कराची ना, आज वो ईके है, उनके कितने जहाज है हम बेचने पे आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखें कि इसके रीजंस क्या है, इसमें बैठ के सर जोड़ के बैठना चाहिए। इन लड़ाइयों से पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होगा। ये जो सियासतदान आते हैं कहते हैं कि हम सब कुछ कर देंगे, या हमारे दूसरे दोस्त आए मार्शल आई लगाई हम कर देंगे, क्या किया 40 साल के अंदर? आज भी मैं अपने पाकिस्तानी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में आज थोड़ा ज़्यादा है, ये भी सियासतदानों का है।